महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। अमित शाह ने मुंबई में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 48 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान करेगी। बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार बढ़ी। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान शिवसेना ने मोदी सरकार का साथ नहीं दिया था। शिवसेना ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। जून में अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात में बात नहीं बनी। बीजेपी के संपर्क और समर्थन के तहत लता मंगेशकर से मिले अमित शाह। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। 2019 में कांग्रेस का राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना। क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन की तैयारी में कांग्रेस। कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी। सीधे सवालों से बचने की कोशिश। बिहार में महागठबंधन 2019 के लिए रणनीति बनाने में जुटा। 40 सीटों के लिए तालमेल की कोशिश जारी। पीएम मोदी का आज से 3 अफ्रीकी देशों का दौरा। 5 दिनों की यात्रा में सबसे पहले रवांडा पहुंचे। पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री रवांडा जाएगा। 2 दिन के रवांडा दौरे में पीएम रवेरु मॉडल गांव का दौरा करेंगे। पीएम गिरिंका योजना के तहत 200 गायों को भेंट करेंगे। 24 जुलाई को पीएम रवांडा से युगांडा जाएंगे। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर बैठक में शामिल होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात होगी। 3 महीने में पीएम जिनपिंग में तीसरी मुलाकात। अप्रैल में वुहान में भी मिले थे दोनों नेता। केजरीवाल के 20 विधायकों की आज चुनाव आयोग में आखिरी सुनवाई। सभी विधायकों पर लाभ के पत्कारों। 20 विधायक सुनवाई से पहले एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। चुनाव आयोग के आदेशों के खिलाफ याचिका। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता रियाज अहमद का बेतुका बयान। कहा, अवैध संबंधों के कारण 3 तलाक होते हैं। मॉब लिंचिंग की बढ़ती वारदातों पर लगाम लगाने की कोशिश में सरकार। आईपीसी में बदलाव की तैयारी में केंद्र। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को एयर इंडिया ने फ्लाइट में एंट्री नहीं दी। मनिका के साथ 6 और खिलाड़ियों को मायूस होना पड़ा। स्केड्यूल फ्लाइट ओवर बुक्ड होने की वजह से एंट्री नहीं दी गई। मनिका बत्रा समेत 7 खिलाड़ी नहीं जा सके मेलबर्न। मनिका बत्रा और उनके साथियों को कल मेलबर्न रवाना होना था। ITTF वर्ल्ड टूर ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने जाना था। हिमाचल की मंडी में रिहायशी इमारत में आग लगी। दम घुटने से 5 लोगों की मौत। मौके पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। आग बुझाने की कोशिश जारी। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक और निर्माणाधीन इमारत गिरी। हादसे में 8 साल के बच्चे के अलावा एक और मौत। एनडीआरएफ के कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ऊपरी मंजिल पर काम चल रहा था। हादसे की वजह कमजोर पिलर और आसपास भरा बारिश का पानी माना जा रहा है। बिल्डर पर घटिया मटेरियल के इस्तेमाल का आरोप। मेरठ के कमिश्नर मामले की जांच रिपोर्ट 2 दिन में देंगे। घायलों को 50,000 और मृतकों को 2,00,000 के मुआवजे का ऐलान। गाजियाबाद में बिल्डिंग गिरने के मामले में मुकदमा दर्ज। मुकेश सिंह एक बिल्डर और जमीन के मालिक के खिलाफ FIR। गाजियाबाद में हफ्ते भर में दूसरा हादसा। ग्रेटर नोएडा के शाबेरी में 2 इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ से बेहाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हालात बिगड़े। ग्वालियर में लगातार बारिश की वजह से उफान पर नदियां और नाले। तेज धार में कई गाड़ियां बही। यूपी के शामली में एक अस्पताल सीज। महिला का गलत ऑपरेशन करने का आरोप। यूपी के उन्नाव में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। SSP ने 5,000 इनाम देने की घोषणा की। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरकार पर अधिक टैक्स वसूलने का आरोप। यूपी के मेरठ में लड़की ने बिल्डिंग से छलांग लगाई। इलाज के दौरान हुई मौत। अब तक कारणों का पता नहीं। यूपी के बिजनौर में बाइक चोरों की पिटाई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अमरोहा में रेप पीड़ित लड़की थैले में 5 महीने का भ्रूण लेकर थाने पहुंची। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में हथियार तस्कर गिरफ्तार। बदमाश का एक साथी भागने में कामयाब। 4 तमंचे समेत 8 हथियार बरामद। यूपी के बिजनौर में बदमाशों ने फेरी वालों से लूटपाट की। कपड़े और नकदी लेकर फरार।
यूपी के गोरखपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्कूल से नाबालिग अगवा, पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा, बच्ची को आजाद कराया। बिहार के जहानाबाद में दो पक्षों के बीच फायरिंग, एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल, सिंचाई को लेकर था विवाद। मध्य प्रदेश के खंडवा में पानी में डूबकर युवक की मौत, दोस्त को बचाने के लिए पानी में कूदा था युवक। बीबीएस की नई रिपोर्ट में भारत के लिए खुशखबरी, एशिया के 10 देश मिलकर 2030 तक जीडीपी में अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तान में रैली के दौरान आत्मघाती हमला, तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार समेत दो की मौत। साउथ अफ्रीका के गुआना में 11 टैक्सी ड्राइवर्स की हत्या, अंतिम संस्कार से लौट रहे थे सभी ड्राइवर्स। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के साथ धड़क फेम ईशान खट्टर ने खेला फुटबॉल, फुटेज वायरल। पांचवें वनडे मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 131 रनों से हराया। पांच वनडे मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 5-0 से बढ़त। पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमा की नई कामयाबी, 18 मैचों में 1000 रन बनाकर रिचर्ड्स के 43 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। 9 पारियों में 4 शतक के साथ 544 रन बना चुका है पाकिस्तानी बल्लेबाज इमामुल हक। सबसे पहले 1000 रन बनाने का तोड़ सकता है फखर का भी रिकॉर्ड।